ये बहुजन समाज, ये गांव खूंटड़ा में ये लोगों पर अत्याचार हुआ है, कहीं असामाजिक तत्वों ने इन भाई के ऊपर अत्याचार किया है। 14-15 तारीख को इन्होंने को बुरी तरह मारा पीटा है और 13 तारीख को, और पूरे गांव की समस्या है कि इन लोगों को गांव से बाहर निकलने दिया जा रहा है कुछ दबंगों के द्वारा। प्रशासन भी हमारे साथ है, प्रशासन बैठा हुआ है, सारे लोग परेशान है और यहाँ पर इन लोगों का जीवना हराम कर रखा है। इन लोगों की माताएं बहनों को गांव से बाहर निकलने दिया जा रहा, इनको और बस सलूकी की जा रही है बहुत ज़्यादा तरीके से, इनको डराया धमकाया जा रहा है, इनको गांव से और बच्चों को स्कूल पढ़ने नहीं दिया जा रहा, स्कूल जाते हैं तो उन लोगों को तकलीफें देती है, बस उन्होंने बंद कर दी है। ये देखो बहुजन समाज के लोग, यहाँ SC समुदाय है, पूरा ग्राम खूटड़ा है, SC समुदाय के लोगों के ऊपर कुछ ऐसा असामाजिक तत्वों ने अत्याचार करके और इन लोगों को घर में ही रहने को मजबूर कर दिया है। भूखे प्यासे हैं, बाहर बेचारे सामान लेने के लिए भी नहीं जा सकते। तो ये मेहनत मजदूरी करने वाले गरीब लोग हैं जिनके ऊपर असामाजिक जो दबंग प्रकार के कोई लड़के हैं तो उनकी यहाँ पर उन्होंने मारा पीटा है, इनको किडनैप भी किया है, दो लड़कों को उठा के ले गए, फिर उसके स्टैंड पर उनको पटक दिया बुरी तरह से। एक हमारे साथ में बैठा है, इनके हाथ इनका तोड़ा है, ये इनका हाथ है, कंधे में इनके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, चल नहीं पा रहे हैं। और एक हमारा एक और साथी है, इनका जो ये है, इनके सिर में इनके गंभीर चोट है, इनके टांके भी आए हैं और इलाज करवाने के लिए इनको गंगापुर ऐसे बाहर जगहों पे जाने भी नहीं दे रहे लोग बाग उन लोगों ने। ये देखो इनका हाथ में लगा हुआ है और सिर में भी इनके बहुत गंभीर चोट आई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ बहुजन समाज के सारे जो संगठन हैं और सारे जो अच्छे लीडरशिप करने वाले कि इनकी आवाज़ बने और हम सब एक साथ होकर के और इनकी आवाज़ में आवाज़ मिला करके इनको न्याय दिलवाएं। ये हमारे बहुजन समाज की बहन बेटियां हैं जो इनको बहुत बुरी तरह से ये डोल डरे हुए हैं, ये लोग कुछ कर नहीं पा रहे और मीडिया भी यहाँ तक अभी तक आया नहीं है, कोई भी किसी प्रकार का मीडिया यहाँ पे इन लोगों ने इनकी देख समझने के लिए कोई भी नहीं आया। प्रशासन के कुछ हमारे लोग हैं जो प्रशासन पुलिस प्रशासन इनका सपोर्ट कर रही है बहुत अच्छी तरह से, इनका कार्रवाई करने के लिए, सुनने के लिए, इनकी समस्या को सुनने के लिए खुद ये चल करके गांव में आए हैं। तो और इधर भी बैठे हैं और हमारे समाज के जो है बहुजन समाज के जो युवा है वो सब खड़े हुए हैं बट ये कुछ कर नहीं पा रहे। तो इनका साथ दीजिए, मैं आपसे पूरे देश से पूरे भारतवासियों से ये अपील करना चाहूँगा कि इन लोगों की आवाज़ बनिए, इन लोगों को न्याय दिलवाइए। जय भीम साथियों, जय नमो बुद्धाय। चलो सबका ले लो, तो मैं अपील करना चाहता हूँ सबसे कि ये हमारे जो लोग हैं ऐसे समुदाय है इनका आवाज़ बनिए, इनका न्याय दिलवाने के लिए, इनको न्याय दिलवाने के लिए आप सब लोग आवाज़ बनिए, सब लोग यहाँ पे आइए, इनकी स्थिति देखिए, गाँव में घरों में इनको मतलब बुरी तरह से इनको प्रॉब्लम में डाला गया है। तो जय भीम नमो बुद्धाय सर।